नहीं है, कहीं कुछ है, देन डेफिनेटली यू शुड चूज इफ इट इज अवेलेबल इन योर लोकल एरिया, अगर अवेलेबल है तो, राइट। और ये बहुत जेन्युइन जेन्युइन अप्रोच है। आई यूज दिस अप्रोच फॉर माई चिल्ड्रन। हालांकि मेरे बच्चे छोटे हैं, लेकिन मैं अभी भी अपने बच्चों के लिए बहुत लॉजिकल डिसीजन लेता हूँ। मेरा छोटा बच्चा है, जब हमने उसको प्ले वे स्कूल में कराया तो वो रोता था, तो मुझे लगा अगर ये रोएगा तो जिंदगी भर स्कूल के लिए ही सोचेगा कि ये बेकार चीज़ है। तो जितनी देर तक रोता था उतनी देर तक मैं उसके साथ स्कूल में रहता था। मैंने स्कूल वालों से परमिशन ले ली थी, मैंने कहा मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊँगा रोते हुए, तो डेढ़ घंटे भी खेलना पड़ा तो उसके साथ खेलूंगा, खेला मैं, बिकॉज दैट्स अ लॉजिकल डिसीजन, उसकी बडिंग एज है। तो बीइंग ए पेरेंट्स हमें पेंस लेने चाहिए, बीइंग ए पेरेंट्स हमें राइट डिसीजन लेने चाहिए, बीइंग ए पेरेंट्स हमें लॉजिकल डिसीजन लेने चाहिए, बीइंग ए पेरेंट्स हमें इमोशनल ब्रांडिंग बिल्डिंग। कई कई स्कूल मैंने देखा, कई स्कूलों में भी मैं मेरी बिटिया का एडमिशन कराने गया, तो जब मैं स्कूलों में बात करता था तो स्कूल वाले कहते थे हमारे पास 8 घोड़े हैं, 4 स्विमिंग पूल हैं, 10 बास्केटबॉल कोर्ट हैं। फिर मैं लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता था, पढ़ाने वाले कैसे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ाने वाले बताओ भाई। अच्छी बात है आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन अगर पढ़ाने वाले नहीं हो तो मैं 4 डालूंगा क्या घोड़ों का। तो इंपॉर्टेंट लॉजिक, और किसी को भी किसी का किसी के बारे में भी आपको पता करना है तो पास्ट निकालो, पास्ट पास्ट क्या है, दैट इज ऑनली द वे। आप जब लड़का लड़की शादी के लिए ढूंढते हैं तो क्या करते हो, पास्ट निकालते हो ना, बैकग्राउंड फैमिली ये वो। सिमिलरली स्टडी पेंस लो, स्टडी करो, बोर्ड पेज की साइट को खोलो, सीटी की साइट को खोलो, सिलेबस को खोलो, इतना सब काम करो, ना कि मेरे 4 दोस्त जिसमें 4 लड़कियां फला इंस्टीट्यूट में हैं तो मुझे तो उनके संग ही रहना है इसीलिए मैं वहां जा रहा हूं। क्या डिसीजन है, क्यों ले रहे हो पता नहीं। कई बच्चे बायोलॉजी भी इसीलिए लेंगे, मेरी फ्रेंड ले रही है इसलिए मैं भी ले लूंगा, व्हाट अ डिसीजन। और फिर किस्मत को दोष देंगे, गॉड को बेचारे को गाली देंगे, अरे आप खुद ही गलत चॉइस कर रहे हो, तो आपके पास रॉन्ग डिसीजन है। तो अभी लास्ट ईयर जो बच्चा था वो बाइकर्स यहाँ है, उत्कर्ष, उत्कर्ष इज विद ICT मुंबई, विच इज वन ऑफ द एशियाज टॉप मोस्ट केमिकल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। तो उत्कर्ष इज देयर, यस उत्कर्ष तुम तो पिछले साल ही पढ़े थे, उत्कर्ष पिछले साल ही पढ़ा है, तो सबसे लेटेस्ट बच्चे को भी दिखा दिया है, सबसे ओल्डेस्ट बच्चे को भी हमने आपको दिखा दिया है, और पेरेंट्स को भी दिखा दिया है। उत्तर थोड़ा बताओ ना, हम कैसा पढ़ाते हैं। बेसिकली कंसेप्ट बिल्डिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। जब भी अभी मैं ICT में हूँ तभी मुझे समझता है कि इधर से जब कंसेप्ट बिल्डिंग हो रहा था तब उसमें उसका फ़ायदा हमें फर्स्ट ईयर में कैसे होता है। बेसिकली फर्स्ट ईयर सबको बहुत डिफिकल्ट लगता है, बहुत टफ लगता है, क्योंकि उन्होंने 11th 12th में बेसिकली रट्टा या फिर ऐसा सब मारा होता है। और कंसेप्ट बिल्डिंग अगर हुआ हो 11th 12th में बेसिकली, तो फर्स्ट ईयर में उसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। उत्कर्ष नॉट वेरी हैबिचुअल ऑफ स्टेज, तो कह रहा सर इन्हीं को पूछने दो ना क्या क्वेश्चन पूछना है, तो मैं आंसर कर दूंगा। तो प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, मोर ऑफ इंटरैक्टिव सेशन आई वांट, आई कांट डू सो मच स्पीच एंड ऑल दैट थिंग्स, वो मेरे जैसे ही होगा ना। सो यू कैन आस्क फ्रॉम हिम, तुमने बोर्ड की तैयारी हमारे यहाँ पे हो गई थी। हाँ हो गई थी बेसिकली, क्योंकि JEE में जो होता है उसका सिर्फ इलेबोरेट करके खुद के वर्ड्स में लिखना होता है, बोर्ड्स में और कुछ नहीं, ज़्यादा कोर्स ऐसा तो नहीं। बोर्ड के लिए कुछ अलग होता है, उसके लिए कुछ अलग होता है, वो कुछ ऐसा है क्या कुछ। हमने बोर्ड की तैयारी तो लिटरली में बोलता हूँ 2 महीने में की थी। बोर्ड सुन लो, बोर्ड में स्कोर ठीक किया था। हाँ ठीक किया था। कितने परसेंट आया? परसेंट बोर्ड में 85 टोटल आया, और उसका परसेंटाइल वाइज स्कोर अगर पता है तो 96 हो जाता है वो, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र बोर्ड का परसेंटाइल इजीली मिल जाता है 90 का। परसेंटाइल इज अ गुड परसेंटाइल है क्या? बुरा है क्या? अब CET तो था नहीं शायद इसकी बात। CET नहीं था हमारे पास, CET नहीं, इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है CET। अच्छा तुम 2 साल पढ़े थे? हाँ 11th 12th में पढ़ा था। ओके, पढ़ाई की थी या मस्ती की थी? 11th में स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत सीरियसनेस उतनी नहीं थी, क्योंकि अगर सीरियसली होते तो और अच्छा हो सकता था, और अच्छा हो सकता था। मैं ये पूछ रहा हूँ क्योंकि सारे बच्चे यही गड़बड़ करते हैं, वो जब 11th में आते हैं ना तो बहुत मजे मारते हैं। और आपको बिलीव नहीं होगा, आज से 10 साल पहले तो जब हम महाराष्ट्र में आते थे तो लोगों को 11th क्लास ना रेस्ट टाइम लगती थी, उनको ये लगता था 10th भी हो गया अभी 11th में तो मजे ही करने,
दिसंबर से ट्यूशन लगाएंगे 12वीं की, ऐसा थॉट था। कम से कम वो थॉट तो अब जाके बदला है, अब जाके एटलीस्ट 11 से सीरियसनेस बिल्ड हुई है, वरना 10 साल पहले तो हम यही सोचते थे कि लोग उनके कहते थे 11 में क्या करना है, ये तो घर का ही एग्जाम है, तो वो एग्जाम देने के लिए पढ़ते थे। जब आप एग्जाम देने के लिए पढ़ोगे तो कभी स्कोर नहीं करोगे, जब पढ़ने के लिए पढ़ोगे तो स्कोर करोगे। सो और क्या पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन उत्तर से पूछना चाहेंगे? आईसीटी कितने लोगों को मालूम है ये मुझे पहले पूछना चाहिए था। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी किस किस को मालूम है यहाँ पे? हेलो माइक माइक वही फैकल्टी होनी चाहिए जो आईआईटी की तैयारी कराए, और वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, मतलब हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए 24 घंटे। इट शुड नॉट बी विजिटिंग फैकल्टी, वो विजिटिंग फैकल्टी नहीं होनी चाहिए। विजिटिंग फैकल्टी से डेफिनेटली जो इंस्टीट्यूट ओनर है उनको फायदा होता है, क्योंकि आप विजिटिंग फैकल्टी बनाओगे तो आप एक ही फैकल्टी को तीन जगह शेयर कर सकते हो और बाकी एक नॉर्मल फैकल्टी रख दो। दैट्स एन इजी जॉब, लेकिन हकीकत यह है कि आपके पास विजिटिंग नहीं, आपके पास रेगुलर बेसिस पे बेस्ट फैकल्टी 24/7 अवेलेबल होनी चाहिए, जिससे क्योंकि जो निखिल जी ने बोला बहुत अच्छी बात बोली कि आपने पढ़ लिया क्लास में उससे काम नहीं हुआ ना, अब आप उसके बाद जब वापस प्रैक्टिस करते हो तो यू नीड अगेन अ टीचर अवेलेबल देयर टू हैंडल योर सिचुएशन और प्रॉब्लम। तो ये सेकेंड चीज हमने कंक्लूड की। थर्ड चीज, इफ यू वॉन्ट टू चेक आउट एनी इंस्टीट्यूट, सी इट्स पास्ट, सी इट्स रिजल्ट्स, एंड रिजल्ट नॉट ऑन सुपरफिशियल बेसिस। रिजल्ट पे ऐसे सुपरफिशियली मत चेक करो, रिजल्ट को इन डेप्थ चेक करो, सुपरफिशियली चेक मत करो। ऐसे मत चेक करो कि टॉप 5 बच्चों के, नहीं उनको बोलो बॉटम 5 बच्चों की बोर्ड की परसेंटेज बताओ, क्लास में आखिरी 5 बच्चों की आपके इंस्टीट्यूट में परसेंटेज क्या थी, दैट्स इंपॉर्टेंट। सबसे डफर बच्चे का सीईटी में स्कोर क्या था, दैट्स इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही चेक करना चाहिए, आप कितने साल से हो सीन में, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 11 साल पहले लुक्रेटिव ऑप्शन नहीं था, अभी तो बहुत लुक्रेटिव ऑप्शन है, तो अभी तो कोई किसी के भी दिमाग में आता है कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकता है, उसे लगता है फैकल्टी बुला लो पढ़ा लो हो गया, बट इट्स नॉट ईजी, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क बिलीव मी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन रिजल्ट्स की ऑथेंटिसिटी भी चेक करो। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप पूरे इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं जब आप उनका रिजल्ट उठा के चेक करोगे तो पता है क्या पाओगे आप, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन आईआईटी में 1 लाख, जबकि सीट्स कितनी है? अगर सीट है 10,000 तो जो सिलेक्शन छापे इंस्टीट्यूट में वो 1 लाख, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे होगा बताओ आप मेरे को? ऐसा तो तभी होगा ना जब फेक रिजल्ट छाप दोगे आप। So check the authenticity of the result. That's very important. For any institute, for any parents, it's a guiding way. इस तरह से आप decide करोगे तो बेहतर रहेगा. And believe me, कल मैं हमारे institute पे बच्चों की class में बैठा हुआ था. Experience किसे कहते हैं? मैं ऐसे ही बात कर रहा था बच्चों से, मैं जानता नहीं था बच्चों को. लेकिन मैं जब बाहर आया तो मैंने महेश को बताया कि मुझे वो 3 बच्चे ऐसे लग रहे हैं जो 100% आईआईटी क्रैक कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानता था उनके बारे में, वो कौन सी क्लास में है, क्या उनके नाम है, लेकिन क्लास में बात करने माध्यम से ये चीज समझ में आ रही थी, दिस इज एक्सपीरियंस। और ये एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ 11 साल से महेश इज रनिंग दिस इंस्टीट्यूट तो ही हैव एनफ एक्सपीरियंस। वो बच्चे से बात करते करते समझ जाते होंगे कि ये कहाँ जाने वाला है या इसकी प्रॉब्लम क्या है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों उतना गलत बोल रहा हूँ? नहीं सर, भाई तुम लोगों को समझता था? यस सर, पहले से ही बोलते रहे कि ऐसा इतने तक जा सकता है, इसको क्रेडिट करते रहे। दिस इज एक्सपीरियंस। इवन ये शंभू की मम्मी बैठी है, क्यों? महेश का इन्वॉल्वमेंट बच्चों के साथ अच्छा है, ही इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एनीथिंग यू वॉन्ट टू आस्क फ्रॉम उत्कर्ष? कुछ उत्तर से पूछना चाहेंगे? एनीबॉडी? नथिंग? ऐसा करता होता है जब सब समझ में आ जाए या कुछ समझ में नहीं आए। एक्सक्यूज मी। हाँ बेटा, माइक ले लो। जेईई मेंस एंड एडवांस्ड सर्टिफिकेट स्कोरिंग का प्लीज रिपीट।
जेई मेंस एंड एडवांस से जो